और अब भविष्यवाणी में आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की उदय तिथि प्रतिपदा और दिन शुक्रवार है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 12:51 तक रहेगी। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल योग आज शाम 7:42 तक रहेगा। इसके अलावा कल की भोर 4:07 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 21 सितंबर की रात 9:47 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 19 सितंबर की रात 1:21 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:24 से दोपहर पहले 11:51 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 अक्टूबर की सुबह 6:25 से 8:39 तक और सुबह 10:57 से दोपहर 2:08 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:24 से 8:47 तक और दोपहर पहले 11:05 से 11:51 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:24 से 8:47 तक और दोपहर पहले 11:05 से शाम 4:19 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 अक्टूबर की रात 1:01 से 1:25 तक और रात 1:54 से अगली सुबह 6:24 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त है। दोपहर 12:51 से शाम 4:46 4:46 तक और शाम 6:13 से रात 11:09 तक। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय दोपहर पहले 11:40 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:43 से दोपहर 12:15 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:01 से दोपहर 12:32 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:44 से दोपहर 12:16 तक। लखनऊ सुबह 10:28 से दोपहर 12 बजे तक। भोपाल सुबह 10:42 से दोपहर 12:14 तक। कोलकाता सुबह 9:59 से दोपहर पहले 11:30 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:02 से दोपहर 12:33 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:32 से दोपहर 12:03 तक।
ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। करियर के मामले में आप अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां ले सकते हैं, हालांकि उनको पूरा करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। छात्रों को बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स अपने भविष्य के लिए टीचर से सलाह ले सकते हैं। परिवार में आपको माता का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी खास मामले को लेकर आपकी सोच बदल सकती है। आज आप किसी जरूरी सामान की खरीदारी कर सकते हैं। इस राशि के विवाहित अपने साथी के साथ कुछ बेहतरीन पल बिता सकते हैं। आपके साथ सब कुछ ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपका दिन राहतपूर्ण रहने वाला है। आपके पारिवारिक जीवन में उत्साह का माहौल रहेगा। इस राशि के कंप्यूटर से जुड़े लोगों के लिए दिन फायदा देने वाला है। आपको किसी बड़ी कंपनी से अच्छा ऑर्डर मिल सकता है। छात्रों को पुरस्कार मिलेगा। लवमेट्स के लिए दिन अच्छा है। पड़ोसी आपके कामों में आपकी मदद कर सकते हैं। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। व्यापारी किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ लोगों की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। बच्चे आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। महिलाओं के लिए दिन बेहतरीन रहेगा। आपको रोजगार के उचित अवसर प्राप्त हो सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। कानूनी मामलों में सही सलाह के लिए किसी अनुभवी की राय लीजिए। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। ऑफिस में किसी से भी व्यर्थ की बात करने से आपको बचना चाहिए। आपको अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना चाहिए। किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो किसी जानकार से सलाह जरूर ले लें। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन ठीक रहेगा। बुजुर्ग मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट पर दोस्त की मदद से काम करेंगे। आज आपके सभी काम सही ढंग से पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज किसी व्यक्ति से आपकी उम्मीदें बढ़ी हुई रहेंगी, लेकिन आपकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। किसी से भी ज़्यादा उम्मीदें लगा कर न रखें। जो भी काम करें अपने दम पर करें। छात्रों के लिए दिन ठीक रहेगा। आपकी पढ़ाई में मन लगेगा। आप कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों को अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही दवाइयाँ समय पर लेनी चाहिए। छोटे बच्चों की सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज आपकी ऊर्जा का स्तर बेहतर रहेगा। आप दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में लोग आपकी तारीफ करेंगे। आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जा सकते हैं। विवाहित लोगों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा रहेगा। बिजनेस में लिए गए फैसले कारगर साबित होंगे। आपके व्यवहार की तारीफ होगी। हर तरह से स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आपका मन लेखन कार्यों में रहेगा। आप किसी पुरानी अधूरी रचना को पूरा कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा महसूस होगा। कॉलेज में पुरस्कार मिल सकता है। आप आगे की पढ़ाई के लिए पूरी मेहनत करेंगे। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए। ऑफिस में किसी के साथ तकरार की स्थिति बन सकती है। अपनी राय दूसरों के सामने रखिए, लेकिन दूसरों की राय को भी महत्व जरूर दीजिए। सभी काम में आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। पहले से बनाई हुई योजनाओं के पूरा होने के योग बन रहे हैं। परिवार में सबके साथ आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए किसी मित्र से सहयोग मांग सकते हैं। ऑफिस में स्थिति ठीक बनी रहेगी। आप सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। संतान की ओर से खुशखबरी मिलेगी। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। नव विवाहित के रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। छात्र किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। अगर आप जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह समय बेहतर है। आप किसी अच्छी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति अच्छी रहेगी।
आपको संतान से पूरा सहयोग मिलेगा। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज मेहनत से किया हुआ काम पूरा होने की उम्मीद है, जिससे आपको काफ़ी राहत मिल सकती है, लेकिन आपको समय के प्रति थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। किसी कार्य में अधिक समय लगाने से दूसरे काम अधूरे रह सकते हैं। आप किसी की मदद मांगने में न हिचकें। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आज पार्टनर से जरूरी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के ऑफर्स मिल सकते हैं। ज्वेलरी का व्यापार कर रहे लोगों को फायदा होगा। छात्र किसी नए कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में सोचेंगे। माता पिता आपके हर कदम पर आपके साथ होंगे। भौतिक सुख सुविधाओं में इजाफा होगा। करियर में सफलता हासिल होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपकी किस्मत आपका साथ देगी। आपके सारे काम आसानी से पूरे होते दिखेंगे। अपने भविष्य के लिए कोई योजना बना सकते हैं। काम के प्रति सोच विचार में दोस्तों का भी सहयोग मिलेगा। आज आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। सहयोगी काम में मदद करेंगे। घर परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। आपकी योजनाएं सफल रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में 2 बादाम रखें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज चंद्रमा के दर्शन करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वाला आपको पैसा कमाने का नया जरिया मिल सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मूलांक 2 वालों, भाई बहन के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। आपके रिश्तों में प्यार बना रहेगा। मूलांक 3, नए बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो कोई अच्छा मुहूर्त देखकर ही शुरू करें। मूलांक 4, दाम्पत्य जीवन में बड़ी उलझने उसमें जो आई हुई उलझने हैं वो आज दूर होंगी। आपका रिश्ता पहले की तरह बेहतर होगा। मूलांक 5, लवमेट्स आज साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, भविष्य की योजना बनाएंगे। मूलांक 6, बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे, समाज में आपका रुतबा और ऊंचा होगा। मूलांक 7, आज का दिन अच्छे परिणाम लेकर आया है। आपकी सभी समस्याओं का हल मिलेगा। मूलांक 8, आपके लिए दिन खुशनुमा रहेगा। दोस्तों के साथ कोई खुशखबरी सेलिब्रेट करेंगे। मूलांक 9, किसी काम में जल्दबाजी में फैसला न लें, नहीं तो आपका काम बिगड़ सकता है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में लकड़ी का फर्नीचर रखने के बारे में। लकड़ी का फर्नीचर घर की शोभा को बढ़ाता है, और लगभग हर घर में लकड़ी का कोई ना कोई फर्नीचर तो हमें देखने को मिल ही जाता है। हम फर्नीचर को तो ले आते हैं, लेकिन हमें उसे रखने की सही दिशा का ज्ञान नहीं होता। इसलिए घर में जहाँ जगह मिलती है वहीं पर फर्नीचर रख देते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार घर में फर्नीचर रखने के लिए भी एक सही दिशा निर्धारित होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में किसी भी कमरे में, ड्राइंग रूम में या अन्य किसी जगह पर लकड़ी का फर्नीचर रखने के लिए आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा का चुनाव करना ठीक होता है, क्योंकि इस दिशा का संबंध काष्ठ यानी लकड़ी से होता है। अतः आग्नेय कोण में लकड़ी का फर्नीचर रखने से उस दिशा से संबंधित तत्वों का शुभ फल प्राप्त होता है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और दिन शुक्रवार है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 12:51 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास का बड़ा ही महत्व बताया गया है। अधिक मास को मलमास के नाम से भी जाना जाता है, और मलमास के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। कहा भी गया है, यस्मिन चांद्रे न संक्रांति सो अधिमासो निगहयति तत्र मंगल कार्याणि नैव कुर्यात् कदाचन। अर्थात जिस चंद्रमास में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती उसे अधिक मास कहते हैं। इस मास में किसी भी तरह के शुभ कार्य जैसे मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण या किसी भी तरह की नई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए।
उल्लेख मिलता है कि इस मास का अपना कोई स्वामी नहीं है, इसलिए देव पितर आदि की पूजा और मंगल कार्यों के लिए ये मास त्याज्य माना जाता था। लेकिन निंदित माने जाने वाले इस मास की व्यथा देखकर भगवान पुरुषोत्तम ने स्वयं इसे अपना नाम देकर कहा है कि अब मैं इस मास का स्वामी हो गया हूँ। अहमे ते यथा लोके प्रथितः पुरुषोत्तमः तथा यमपि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः। जिस प्रकार मैं इस लोक में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार ये मलमास भी इस लोक में पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह मास बाकी सब मासों का अधिकारी होगा और इसे संपूर्ण विश्व में पवित्र माना जाएगा। अतः इस मास में पूजा करने वाले लोगों को दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी, उनके घर में सुख शांति बनी रहेगी। इस मास में भगवान पुरुषोत्तम की उपासना करने वाले को हर प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होगी। आपको बता दूं, ये पुरुषोत्तम मास आज 18 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक रहेगा। पुरुषोत्तम मास के दौरान इस मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए। मंत्र है, गोवर्धन धर्म वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सव मीशानम गोविंद गोविका गोपिका प्रियम। इस मंत्र का जाप कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस मंत्र के जाप से भगवान विष्णु की कृपा से आपको आपके सारे काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे हो जाते हैं। तो ये थी चर्चा पुरुषोत्तम मास की, और अब बात करते हैं योग और नक्षत्र की। आज शुक्ल योग शाम 7:42 तक रहेगा। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। इसके अलावा कल की भोर 4:07 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। हस्त 13वां नक्षत्र है। यह नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में से एक है। हस्त नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हथेली को माना जाता है। इसका संबंध रीठा के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज हस्त नक्षत्र के दौरान रीठा के पेड़ या उससे बनी किसी अन्य चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही रीठे के पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये थी शुक्ल योग और हस्त नक्षत्र की चर्चा, और अब अधिक मास से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों की भी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय कैलेंडर में मास की गणना सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर की जाती है। चंद्रमा की कलाओं के आधार पर चंद्रमास और सूर्य की एक राशि में परिभ्रमण के समय को सौर मास कहा जाता है। इस प्रकार गणना करने पर एक चंद्रवर्ष लगभग 354 दिन 22 घड़ी और 1 पल का होता है, और एक सौर वर्ष 365 दिन 15 घड़ी और 22 पल का होता है। इस प्रकार हर वर्ष लगभग 11 दिन का फर्क आता है। ये समय अंतराल क्षय होते होते 3 वर्षों में लगभग 32 दिन का हो जाता है। इसी समय अंतराल को बराबर करने के लिए भारतीय पंचांग में हर 3 से 3 साल बाद 1 महीना बढ़ा दिया जाता है। इसी मास को अधिक मास या मल मास के नाम से जाना जाता है। इस बार अधिक मास आश्विन के महीने में आया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार अधिक मास आश्विन में ही पड़ आए। यह जरूरी नहीं है, ये किसी भी महीने में पड़ सकता है। तो ये थी चर्चा अधिक मास की, और अब बात पुरुषोत्तम मास के दौरान किन भोज्य पदार्थों का सेवन करना अच्छा बताया गया है और किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने पुरुषोत्तम मास के व्रत नियमादि के संबंध में कहा है कि इस महीने में गेहूं, चावल, सफ़ेद धान, मूंग, जौ, तिल, मटर, बथुआ, सामक, ककड़ी, केला, घी, कटहल, आम, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, सेंधा नमक आदि का सेवन करना चाहिए। साथ ही इस माह के दौरान भूमि शयन करना चाहिए और केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। अधिक मास के दौरान शहद, चौलाई, उड़द, राई, प्याज, लहसुन, गोभी, गाजर, मूली, दाल, तिल का तेल, नागरमोथा और मांस आदि का सेवन त्याग कर देना चाहिए। इन सब चीज़ों का सेवन अवॉइड करना चाहिए। और अब हम चर्चा करेंगे आश्विन मास के दौरान विभिन्न राशि वालों को शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, अगर आप किसी विशेष कार्य की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस पुरुषोत्तम मास के दौरान प्रतिदिन भगवान विष्णु को केसर मिश्रित दूध दक्षिणावर्त शंख में डालकर अर्पित करें।
वृष राशि वालों, अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य कर्ज से परेशान है तो जल्द से जल्द कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अगले 30 दिनों के दौरान पड़ने वाले शनिवार को सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ में जल डालें और साथ ही तेल का दीपक जलाएं। आपको बता दूं कि इस पुरुषोत्तम मास में शनिवार 19 सितंबर, 26 सितंबर, 3 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को पड़ रहा है। मिथुन राशि वालों, किसी भी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पुरुषोत्तम मास में श्री विष्णु सहस्त्र नाम में दिए गए भगवान विष्णु के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है, यस्य स्मरण मात्रेन जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिसके स्मरण मात्र से इस जन्म संसार में जन्म के बंधन से मनुष्य मुक्त हो जाता है, उस विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, विष्णवे प्रभ विष्णवे। कर्क राशि वालों, अगर आपको नौकरी से संबंधित कोई परेशानी है, आपका प्रमोशन अटक गया है, तो पुरुषोत्तम मास के आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी को 5 कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन में खीर जरूर होनी चाहिए। भोजन के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। लेकिन सिंह राशि वालों, अगर आपका मन किसी बात को लेकर उलझा हुआ और आप अपनी उलझनों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज से 16 अक्टूबर तक के बीच जब भी आपको मौका मिले किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जरूर जाएं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद लें। कन्या राशि वालों, किसी भी तरह के भय बाधा आदि से मुक्ति पाने के लिए इस अधिक मास में श्री विष्णु सहस्त्र नाम के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है, नमः समस्त भूतानाम आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। नमः समस्त भूतानाम आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। और तुला राशि वालों, अपनी धन संपदा में वृद्धि करना चाहते हैं तो पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री विष्णु के साथ साथ माता महालक्ष्मी की भी उपासना करें। माता के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है, श्रींग ह्रीं श्री। वृश्चिक राशि वालों, अपने दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो अधिक मास में पड़ने वाली दोनों एकादशी पर 1.25 किलो चावल पीले कपड़े में बांधकर विष्णु मंदिर में दान कर दें। आपको बता दूं, इस बीच एकादशी 27 सितंबर और 13 अक्टूबर को पड़ेगी। धनु राशि वालों, समाज में अपना नाम चमकाने के लिए, अपनी अलग पहचान बनाने के लिए आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम में दिए भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है, जगत प्रभुम देव देव मनंतम पुरुषोत्तमम स्तुवन नाम सहस्त्रेण पुरुषः सततोत्थितः। मकर राशि वालों, परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए इस पुरुषोत्तम मास के दौरान रोज सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुंभ राशि वालों, आर्थिक तरक्की के साथ अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए रविवार को छोड़कर बाकी प्रत्येक दिन रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल डालना चाहिए और शाम के समय घी का दीपक जलाना चाहिए। मीन राशि वालों, अगर आप अपने करियर को एक ऊंचे मुकाम तक ले जाना चाहते हैं तो पुरुषोत्तम मास के दौरान प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है, ईशान प्राणदः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्य गर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन। तो ये मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए आप, ईशान प्राणदः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति, ईशान प्राणदः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति भूगर्भ हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन। तो ये थी चर्चा पुरुषोत्तम मास में किए जाने वाले उपायों की। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, व्यापारी वर्ग के लिए दिन बेहतर रहेगा। आपको धन कमाने के अच्छे मौके मिलेंगे।
भी आप फिजूल के खर्च को कम करने का प्रयास करेंगे, भविष्य में पैसे इकट्ठे होंगे। सी, आपके पारिवारिक काम सही तरीके से पूरे होंगे जिससे आपका मन खुश रहेगा। डी, परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, आप सब साथ में खूब एंजॉय करेंगे। ई, अगर आप सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं तो अपने विचारों को सबके सामने खुल कर व्यक्त करें। एफ, ऑफिस में आज एक्स्ट्रा वर्क करने से पेंडिंग काम जल्दी पूरा हो जाएगा। जी, ऑफिस में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, इंक्रीमेंट भी मिलेगा। एच, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए, नहीं तो बना बनाया काम बिगड़ सकता है। आई, रोजगार के मामले में किसी से सलाह ले सकते हैं, सलाह फायदेमंद भी रहेगी। जे, आज जरूरतमंद को भोजन कराएं, आपके काम बनेंगे। के, कंस्ट्रक्शन का नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, इसे आप अच्छे से पूरा कर लेंगे। एल, आज का दिन अच्छा रहेगा, किसी खास काम में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। एम, किसी काम में बच्चों के स्कूल जाना पड़ेगा जिससे ऑफिस पहुंचने में लेट होंगे। एन, आपके कार्यों में रुचि बढ़ेगी जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ओ, ऑफिस में अपने काम की प्रशंसा पाने के लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। पी, आपको बिजनेस में मुनाफा भी होगा जिससे आप पूरा दिन खुश बने रहेंगे। क्यू, आपके लिए दिन मिला जुला रहेगा, परिवार की जिम्मेदारियां आप पर आ सकती हैं। आर, आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, आप पर खुशियों की बारिश हो सकती है। एस, लवमेज के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, शाम को लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। टी, आज का दिन मिला जुला रहेगा, आपको अपने कार्य सतर्कतापूर्वक करने चाहिए। यू, स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बढ़िया रहेगा, आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। वी, रोजमर्रा के कामों में आपको फायदा होगा, कारोबार में रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। डब्ल्यू, प्रेम प्रसंग में आपको सफलता मिलेगी, आपको परिवार का पूरा साथ मिलेगा। एक्स, बढ़ता खर्च देखकर आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, आप आमदनी बढ़ाने की सोचेंगे। वाई, आज कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए, किसी बड़े की राय भी ले सकते हैं। जेड, आज का दिन अच्छा रहेगा, सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल होंगे। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं पावागढ़ शक्तिपीठ के दर्शन। पावागढ़ मंदिर गुजरात की ऊंची पहाड़ी पर बसा है, यहाँ स्थित काली माँ को महाकाली कहा जाता है। काली माता का ये प्रसिद्ध मंदिर माँ के शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है जब भगवान शिव व्यथित मन से सती के शरीर को लेकर जा रहे थे तो पावागढ़ में माँ के वक्षस्थल गिरे थे। कहते हैं यहाँ माता का जागृत दरबार लगता है। ऐसी मान्यता है कि गुरु विश्वामित्र ने यहाँ काली माँ की तपस्या की थी। यह मंदिर गुजरात के प्राचीन चंपारण्य नामक स्थान के पास स्थित है, जो वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भक्त दूर दूर से यहाँ पावागढ़ की पहाड़ी पर विराजमान देवी का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। तो आप ही घर बैठे कीजिए इस प्राचीन पावागढ़ शक्तिपीठ के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 18 सितंबर को अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहरा या सीताफल खाना निषिद्ध है। वो दो प्रतिथि आज दोपहर 12:51 तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया लग जाएगी जो कल सुबह 9:11 तक रहेगी। द्वितीया में छोटे बैंगन का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वः। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज थोड़ी सरसों जल में बहाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।